जनता कर्फ्यू लागू हो चुका है। जी हाँ, उसका असर भी सड़कों पर दिखना शुरू हो गया है। बाकी दिनों के मुकाबले आपको बता दें सड़कों पर जनता कम दिख रही है। जनता कर्फ्यू 14 घंटे यानी कि रात 9 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। जनता कर्फ्यू के मद्देनजर कल रात 12 बजे से सभी ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में मेट्रो सेवा भी ठप है। लेकिन आपको इसके साथ ही साथ बता दें कि जरूरी की यानी कि इमरजेंसी सेवाएं सभी जारी रहेगी, चालू रहेगी, इसलिए पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस जनता कर्फ्यू को अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहकर सफल बनाएं, ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कोरोना से सबसे बड़ी जंग में यही हमें सफल बना सकता है। तो आपको बता दें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक यानी कि 14 घंटे आपको अपने घर में रहना है और इस जनता कर्फ्यू को सफल बनाना है। और आपको बता दें कि देश के हर शहर से लगभग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कौन कहां से है। दिल्ली से हमारे साथ आशुतोष मिश्रा है, हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं रवीश पाल सिंह, कुमार अभिषेक लखनऊ से है, चंडीगढ़ से हमारे साथ सत्येंद्र जैन है, गोपी घांगर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई है और मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से हमारे साथ है, सुजीत भी हमारे साथ पटना से है। तमाम संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं। सीधे चलते हैं अब गोपी के पास। गोपी, अहमदाबाद से कई खबरें सामने आ चुकी है कोरोना पीड़ित मरीजों की, ऐसे में आज जबकि उसे फाइट, उससे जंग लड़ने का दिन है, तस्वीरें अहमदाबाद की दिखाएं। जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि अहमदाबाद और गुजरात में, पूरे गुजरात में अब तक 13 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के एलिस ब्रिज पर और यहां पे आप देख सकते हैं इक्का दुक्का लोगों के अलावा ज्यादा लोग बाहर घरों से नहीं निकल रहे, क्योंकि सुबह का वक्त है, दूध जैसी जो जीवन जरूरियात की चीजें है उसे लेने के लिए लोग बाहर निकले हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। अगर रिवर फ्रंट की बात की जाए तो अहमदाबाद का रिवर फ्रंट जहाँ पे आम पे और खास करके रविवार के दिन बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, साइकिलिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरीके से खाली यहाँ पे दिख रहा है। तो जनता कर्फ्यू का पूरा यहाँ पे लोग पालन कर रहे हैं, लोग यहाँ पे इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 3 दिनों के अंदर 13 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए, वैसे में प्रशासन ने भी अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा समेत जहां पे ये कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वहां पे लॉकडाउन किया है, इन शहरों को लॉकडाउन किया है। 25 मार्च तक यहां पे जीवन जरूरियात की चीजों के अलावा सारी चीजें बंद रहेगी। श्वेता बिल्कुल, चलते हैं कोलकाता और कोलकाता की तस्वीरें जानते हैं मनोज्ञा से। मनोज्ञा, राज्य सरकार किस तरह से यहां पर एक्टिव दिख रही है, क्योंकि हमने अलग अलग जगहों पर देखा, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल बार बार सामने आ रहे हैं एफएम पर या दूसरे माध्यम से, वो लोगों से अपील कर रहे हैं। ममता बनर्जी या फिर वहां की राज्य सरकार की तरफ से किस तरह की अपील और वहां की तस्वीर क्या? राज्य सरकार की ओर से जहां एक के बाद एक अपील की गई है तो उसका असर भी दिख रहा है। मैं इस समय विक्टोरिया मेमोरियल के सामने हूं। रविवार के दिन यहां पर आम दिन से कई गुना ज्यादा मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं, लेकिन एक ओर जहां विक्टोरिया मेमोरियल ने अपने दरवाजे बंद किए हैं तो वहीं दूसरी ओर जनता ने भी इसका पूरा साथ दिया है। जनता कर्फ्यू का असर ये है कि सड़कों पर एक व्यक्ति नहीं है, न कोई मॉर्निंग वॉक करने के लिए है, न एक गाड़ी है। अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता पुलिस के नुमाइंदे, कोलकाता पुलिस के कर्मचारी और उनकी गाड़ियां। और के साथ साथ ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जहां पूरा कोलकाता इस समय अपने घरों में रहकर इस जनता कर्फ्यू का साथ देने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण में अब तक जहां एक ओर राजनीति की बात हो रही थी तो पश्चिम बंगाल सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ घंटों, कुछ दिन, जितना हो सके लोग अपने घर में रहें। अभी तक 4 मामले सामने आए हैं पश्चिम बंगाल से, जिसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से कई ज्यादा लोगों को सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार घर में रहना कितना जरूरी है। और एक के बाद एक ये संदेश लोग एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ पहुंचाने की ही नहीं बल्कि उसे मानने की भी कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर एक गाड़ी नहीं है, यही अपने आप में बताता है कि जनता का किस तरह समर्थन है जनता कर्फ्यू के लिए। जनता खुद अपने घर में रहकर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि कोरोना की लड़ाई में हर व्यक्ति एक साथ है।